जिंदगी लाना लाइए, लेकिन पुराना भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगा। पार्लियामेंट में भी जवाब पुराना भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगा। यहाँ निम्न वर्ग के बच्चे लोग ही जाते हैं, उच्च क्लास के वर्ग नहीं है। कोई आर्मी में नहीं जाता है, कोई सेना बहाली में अग्निपथ योजना के खिलाफ 17 जून को धनबाद के युवा सड़क पर उतर आए। बता दें कि लगभग 1000 युवा धनबाद स्टेशन के रेलवे लाइन पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। ये देख जिला पुलिस, रेल पुलिस व आरपीएफ दल बल के साथ मौके पर तैनात रहे। इससे पहले पैदल मार्च निकाला गया। जामा डोबा, डिगवाडी, झरिया, बस्ता, कोला से निकलकर लगभग 1000 युवा बैंक मोड़, सिटी सेंटर होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। वहां प्रदर्शन करने के बाद स्टेशन पहुंच गए। युवा हाथ में डंडा व तिरंगा लिए विरोध प्रदर्शन करते रहे। झरिया से धनबाद तक बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के सैकड़ों जवान प्रदर्शनकारियों के पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंचे। इस बीच डीआरएम कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। हम लोग एक साल से हम लोग सर जो डिस्ट्रिक्ट ओपन रैली होती है जो दो साल से बंद है सर। मैं चाहता हूँ हम लोग जो सीधा भर्ती होती थी ओपन रैली उसको स्टार्ट किया जाए सर। जो आप स्कीम लाए हैं अग्निपथ और अग्निवीर वो अपना वापस ले सर। मैं हम लोग अग्निवीर नहीं बननी नहीं बननी सर। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सर जितना भी युवा है, जितना भी हम लोग गरीब वंचित घर से है सर और किसान का लड़का है सर, हम लोग का यही है 4 साल में अगर सर हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे सर। फिर तो आकर रोड पे ही हम लोग भीख मांगने की काम होगी सर। मैं इससे कोई हम लोग अंचूट है सर उसको हमको सीधी भर्ती और जो एग्जाम बची हुई है उसको सर करवाते हैं। उसके लिए हम हाथ और 1.5 साल से एग्जाम को पेंडिंग किया जा रहा सर। और नेता लोग चुनाव हो रही है और सब कुछ हो रही है, उसमें कोई COVID-19 नहीं फैलती है सर। बदलाव नहीं करती है तो आगे ये आंदोलन जारी भारत में पहले की पूरा ये आंदोलन हमारी मांगे पूरी करे, टीओडी वापस ले, बस यही कहना चाहते हैं। और जो भर्ती परीक्षा नहीं शुरू हुई उसे वापस कर दिया, उसे वापस करे। और जो एग्जाम बाकी है एग्जाम दिया जाए, शुरू करे फिर से। पेंशन बंद होगा तो नेताओं का पेंशन भी बंद होगा। अगर हमारी भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए है तो प्रधानमंत्री की भी 1 सालों के लिए की जाए। हर साल चुनाव होना चाहिए, हर साल प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। और ये हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नेता लोग देश चला रहे हैं, झारखंड जो है ये विचार सामान्य की जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार पैसा चोर है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं टीओडी वापस जाए और हमारे जो पहले की जैसे प्रक्रिया थी वैसे ही शुरू हो। हमें ये टीओडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जो भर्ती रद्द हो चुकी है उसे वापस वापस। और जो एग्जाम पहले की 2 सालों से एग्जाम नहीं हुई अभी तक, इंडियन आर्मी की 2 सालों से अभी तक रद्द पड़ी हुई है। लड़कों की एज खत्म हो रही है, लास्ट लड़के फांसी लगा रहे हैं। बिहार में 60 लोग फांसी लगा चुके अभी तक, हाँ उनका कौन भरपाई करेगा? 21 से 23 घर में 21 से 23 करके क्या कर दिया? 4 साल नेता लोग रिटायरमेंट के बाद मेडिकल मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, हम लोग क्या मिलेगा? 4 सालों के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, ना मेडिकल सुविधा ना कुछ। हाँ कुछ नहीं कहा जा रहा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप लोग रख लिया क्या? परफॉर्मेंस 25% जिसके पास पैसा है वही जाएगा, जिसके पास पैसा है बस वही जाएगा। परफॉर्मेंस कुछ मेहनत हर कोई कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ वार्ता हुई? एक नई पॉलिसी आई आर्मी बहाली को लेकर के, वहाँ शायद हमारे देश के युवाओं से मान नहीं रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और यहाँ किसी प्रकार किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति की क्षति न पहुँचे। कुछ अंदर प्रवेश करने की कोशिश की? अंदर प्रवेश किया था लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हमारे संघाने जान को। क्या डिमांड क्या था उनका? डिमांड ये कि जो नई पॉलिसी है इसे खत्म किया जाए, जो पुरानी पॉलिसी है लागू किया जाए। अब बाकी तो ये सरकार तय करेगी, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ।